इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गुरुवार को कार्य परिषद की बैठक रखी गई। कार्य परिषद की बैठक में तकरीबन 17 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई। इन 17 विषयों में राजभवन से आए पत्र के साथ ही रिजल्ट रिवैल्यूएशन प्रोफेसर की नियुक्तियां शामिल है। कार्य परिषद की बैठक तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चली। बैठक में कई परिषद सदस्यों ने अपने विचार भी रखे, जिन पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही आने वाले दिनों में नेक की टीम भी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने वाली है, उस विषय पर भी कार्य परिषद सदस्यों ने चर्चा की। वहीं स्वच्छता को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। वहीं आईपीएस कॉलेज ने तकरीबन 20 साल पहले एनआरआई कोटे से एक छात्र को एडमिशन दिया था, उस शिकायत पर भी कार्य परिषद की बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ अन्य विषय पर भी कार्य परिषद की बैठक में चर्चा हुई। अधिकतर विषय में चर्चा सार्थक हुई, वहीं अन्य विषयों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। कुल 17 मुद्दे हैं और भी मुद्दे आ सकते हैं। कुल 17 मुद्दे हैं और भी मुद्दे आ सकते हैं। उस पर सबसे चर्चा होगी और चर्चा अनुसार निर्णय होगा। सर, राजभवन से भी कोई पत्र आया है, उस पर भी चर्चा होगी। फर्जी सभी मुद्दे 17 मुद्दे में आ गए जी। किस तरह के ये 17 मुद्दे हैं सर? 17 मुद्दे के ये इस तरह के हैं। इसमें स्थायी समिति की मीटिंग, वित्त समिति की मीटिंग, मनीष सिंह राठौर के मामले में, रोहित उज्जैनी के मामले में, नवनीत कौर भाटिया के मामले में, स्वायत्त योजना के अंतर नियुक्त तथा श्रेणी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रदेश शासन वित्त विभाग का अधिसूचना, विश्वविद्यालय भवन समिति के विवरण, विश्वविद्यालय बजट पार्ट 4, डॉक्टर अनिल कुमार के बारे में, PhD MD.LIT के बारे में, थानला विद्यासागर, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेंधवा और रेवा।